इतनी बार समझाया कि फिजिकल फिटनेस के साथ साथ माइंड कॉन्सेंट्रेट करना भी बहुत जरूरी है। चुस्ती फुर्ती दिखाओ, पारा ठाकुर ने देख लिया तो उसका पारा चढ़ जाएगा। बिल्कुल सही कहा तुमने, पारा ठाकुर का पारा जब चढ़ता है तो दुश्मन जलकर खाक हो जाता है। गुड मॉर्निंग सर। हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग। तुम लोगों को और चुस्ती चाहिए, और फुर्ती दिखाओ, हवा की स्पीड को फॉलो करो। आज रात को मिशन पर जाना है। घर से कुछ लड़के चोरी करके भाग रहे हैं, मैं उनका पीछा कर रहा हूँ। शायद उनका बहुत बड़ा गैंग है, जल्दी आइए। लड्डू सिंह के इलाके में चोरी, यहाँ से 50-50 किलो। मुझे मालूम है। तुम्हें मालूम है तो मैं अभी आया शिवा, अभी आया। लड्डू सिंह के इलाके में चोरी करोगे? हाँ। तुम जैसे कितने आए और कितने चले गए अभी बताता हूँ। ब्रिलियंट, तुम सबने अपना काम बखूबी किया है। ये लो पैसे, जाओ ऐश करो। पारा ठाकुर, लगता है आपको जो चाहिए वो मिला नहीं। नहीं मिला, पर कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल मिल ही जाएगा। आज तो पहला दिन था। पूरे बेताल सिटी में अजीबोगरीब तरह की चोरियां हो रही हैं। चोर सिर्फ तिजोरी में रखा सामान ही लेकर भाग रहा है। ये जानने के लिए देखिए हमारा खास प्रोग्राम, जब अंधेरा होता है, रात 8 बजे। ये रिपोर्टर न्यूज कम सुनाता है, डराता ज्यादा है। गुड मॉर्निंग नाना जी। गुड मॉर्निंग नानी जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाँ लड्डू सिंह जी, नाश्ता कर लो। वैसे सुबह सुबह यहाँ कैसे आना हुआ? बस यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा नाना जी के दर्शन करता चलूं। दर्शन हो गए,
अब बाय बाय। अरे क्यों उनको भगाने में लगी हुई हो, नाश्ता तो करा दो। एक शर्त पे, ये शिवा को चोर पकड़ने को नहीं कहेंगे। हाँ। अरे मैं क्या कहूँ शिवा को, वो तो छोटा बच्चा है। नहीं 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 नहीं, बच्चा नहीं, चोर पकड़ना तो मेरा काम है लड्डू सिंह का। पर नानी जी एक बात समझ नहीं आ रही कि ये चोर चाहते क्या है। तिजोरी या अलमारी में जो सामान होता है वो ही ले जाते हैं, और बाहर रखा कैश जेवर को छूते तक नहीं। वो जो भी हो वो पार्कौर एक्सपर्ट है। पार्कौर एक्सपर्ट मींस वो हर ऑब्स्टिकल को बड़ी आसानी से क्रॉस कर लेते हैं। उन्हें पकड़ने के लिए हमें भी पार्कौर एक्सपर्ट होना जरूरी है। बस शुरू हो गए, चुप करो, कोई आइडिया देने की जरूरत नहीं है। सॉरी नानी। शिवा तुम चिंता मत करना, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। वो लोग पार्कौर एक्सपर्ट है ना, उन्हें पकड़ने के लिए हमें भी पार्कौर एक्सपर्ट होना पड़ेगा। अब पार्कौर ट्रेनिंग करूंगा और इतना एक्सपर्ट हो जाऊंगा कि उन्हें भाग के पकड़ लूंगा। शिवा वाह, क्या सेटअप बनाया है तुम सबने। मैं भी प्रैक्टिस करूंगा। पेड़ाराम, रस्सी निकालो, मुझे मुझे सब उल्टा दिख रहा है। आपके यहाँ भी चोरी हुई है। मिस्टर शर्मा, आपके यहाँ भी? हाँ वर्मा जी, क्या आपके यहाँ भी चोरी हुई? मेरे यहाँ भी चोरी हो गई। अंकल आप सब एक दूसरे को जानते हैं? हाँ, लास्ट मंथ हम सब एक साथ वेदा सिटी टूर के ग्रुप हॉलिडे पर वीनस सिटी गए थे, तब से ही जान पहचान है। इतने दिनों से चोरियां हो रही है, क्या सिर्फ उन्हीं घरों में चोरियां हो रही है जो लोग आपके साथ वेदा सिटी टूर में वीनस सिटी घूमने गए थे? हाँ, ये सच है, सिर्फ उन्हीं लोगों के यहाँ चोरियां हो रही है, ये कैसे हो सकता है? इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, आज भी नहीं मिला। आखिर आपको किस चीज की तलाश है?
चलो तुम्हें बता ही देता हूँ, पिछले महीने मैंने वीनस सिटी में 50 करोड़ के डायमंड्स की चोरी की थी। मैं डायमंड्स को लेकर भागने ही वाला था। ये नेकलेस दे दीजिए। तुम अपनी तलाशी दो। वो बस कहाँ गई? वो वेदास सिटी टूर्स वालों की ही बस है, हर साल टूर पे आते हैं। वेदास सिटी ही गई होगी। तब मैंने उस टूर में हिस्सा लेने वालों की लिस्ट निकलवाई, ये पार्क और ग्रुप तैयार किया और उन्हीं घरों में चोरी करवा रहा हूँ। किसी न किसी के घर से तो वो नेकलेस बॉक्स मिलेगा। आपके लिए अच्छी खबर है, अब एक ही घर बचा है और आपके हीरो की पोटली उसी घर में होगी। क्या? ओह, ये तो अच्छी खबर है। फिर आज रात मेरे 50 करोड़ के हीरो की पोटली मेरे पास होगी। तो ये लिस्ट उन लोगों की है जो पिछले महीने वेदास टूर्स के साथ वीनस सिटी गए थे और सिर्फ उनके घरों में चोरियां हो रही हैं। लिस्ट में सिर्फ एक ही घर बचा है जिसमें चोरी नहीं हुई है। अच्छा, मतलब अब सिर्फ एक ही घर बाकी है। ओके, फिर तो आज रात हमें उस घर पे नजर रखनी होगी। वो जरूर किसी चीज की तलाश में है जो इस ग्रुप में से किसी के पास है। ये घर चोरी होने से बचा है, वो लोग यहाँ जरूर आएंगे। हैंड्स अप, तुम लोग चारों तरफ से घिर चुके हो। हाय, लड्डू सिंह जी, आप सड़कों पे पीछा करिए, मैं छतों से पीछा करता हूँ। ए बच्चे, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? बच्चा नहीं कहना भैया। शिवा, शिवा नाम है मेरा। वो चोरी का बैग मुझे दे दो और ये बताओ तुम्हारा बॉस कौन है? यहाँ से जंप करने के लिए वाह।
वेल डन माय बॉयज, वेल डन। आपका मिशन कामयाब हुआ पारा ठाकुर। यस यस, ये हीरे मेरे हैं, लेकिन तुम लोगों की मेहनत से मिले हैं। मैं तुम सबको माला माल कर दूंगा। ये यहाँ भी आ गया। इसी लड़के ने हमें परेशान कर रखा है। बहुत बुरी तरह मारता है। अरे बच्चे हो, बच्चे की तरह नहीं रह सकते। मम्मी पापा ने बड़ों की इज्जत करना नहीं सिखाया क्या? आए हाय, अभी भी इसकी मार खा के बदन दर्द कर रहा है। ए बच्चे, मुझे जो चाहिए था मिल गया। चुपचाप चले जाओ वरना। बच्चा नहीं कहना अंकल। शिवा नाम है मेरा अंकल। आपको जो चाहिए था वो आपको मिल गया, लेकिन मुझे जो चाहिए वो मुझे अभी नहीं मिला है। पकड़ो इस लड़के को। रुक जाओ, इसके लिए मैं ही काफी हूँ। ये नहीं जानता कि पारा ठाकुर का जब पारा चढ़ता है तो दुश्मन जल के खाक हो जाता है। तुम्हारे सामने तो हम बच्चे हैं अंकल। खबरदार जो शिवा को अंकल कहा तो। बच्चा है लेकिन बच्चों की तरह बिहेव नहीं करता तो उसे अंकल ही कहूंगा ना। मेरे 50 करोड़ के हीरे। ये हीरे कहाँ से चोरी किए? ये तो वीनस सिटी के लास्ट मंथ चोरी किए हुए हीरे हैं। उस रॉबरी को बिगेस्ट रॉबरी ऑफ द ईयर कहा गया था। चोर आज पकड़ा गया है। थैंक यू शिवा, थैंक यू। अब तुम चिंता मत करो, मैं इसकी अच्छी देखभाल करूंगा जेल में।